आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। ये जहां मैं पहुंचा हूं, ये चौपारण है जीटी रोड पर, यानी जो दिल्ली से कलकत्ता जो नेशनल NH2 है उसी पर अवस्थित है ये चौपारण। जब आप गया या डोभी से चलते हैं और रांची के लिए या कलकत्ता की यात्रा करते हैं तो ये चौपारण उसी रास्ते में मिलता है। मैं चौपारण में पहुंचा हूं, आप पीछे हमारे देख सकते हैं जीटी रोड है और ये दुकान देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है मुकेश स्वीट्स, वहां पे लिखा हुआ है मुकेश स्वीट्स खीर मोहन, कई जगह पे लिखा हुआ है यहाँ पर खीर मोहन। तो ये जब लोग बड़ी लंबी यात्रा पे चलते हैं तो खीरमोहन के लिए चौपारण में रुकते हैं। बहुत फेमस है यहाँ पर, हर शहर की कुछ ना कुछ मिठाई होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। आपने जैसे देवघर में घोड़मारा सुना होगा, वहाँ पे पेड़ा मशहूर है, आप सिलाव जाते हैं वहाँ खाजा मशहूर है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर खीरमोहन मशहूर है। तो आप व्यूअर्स, हम आपको दिखाते हैं खीरमोहन होता कैसा है। ये देखिए आप, ये खीरमोहन है, रसगुल्ले की तरह का होता है, बस इसका कलर जो है वो थोड़ा ऑरेंजी है, लाइट ऑरेंज कलर का ये है कलर इसका, लेकिन ये इसके बनावट का स्टाइल है थोड़ा। आप इसको हमको प्याल निकाल के दिखाइएगा तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं नज़दीक, ये बिल्कुल रसगुल्ले के स्टाइल का दिख रहा है। तो मैं दुकानदार हैं, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, मुकेश जी बताइए, ये जो खीर मोहन है ये बनता किस तरह से है? ये बनता है प्योर दूध का, छेने का। अच्छा। छेने का बनता है। हाँ। इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। अच्छा। और ये देख रहे हैं कि प्योर छेना का, कारण क्या है कि इसमें घी जो है ये सब जितना ही निकला हुआ है ये सब घी है। अच्छा, समझे ना। हाँ। सिर्फ चीनी के सिरप बनता है, इसमें रिफाइन फाइन का कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो ये खाने में इतना फेमस कैसे हो गया? फेमस ये बहुत पुराना बिक रहा है और इसमें सोंधापन, इसका स्वाद बिल्कुल रसगुल्ला और मिठाइयों से बिल्कुल अलग है और ये चौपारण में ही बिकता है। अच्छा। और आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, ये चौपारण में मिलता है। तो ये आपको, आपकी जितनी उम्र है। हाँ। तो आप कब से ये देख रहे हैं इस तरह का बनता हुआ? मेरा तो उम्र वैसे 42 साल हो गया, तो 42 साल से तो हम तो रेगुलर देख ही रहे हैं। ये देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा फेमस पहले नहीं था खीरमोहन को लेकर, आप जितनी दुकानें दिखती हैं। हाँ। जितना खीरमोहन का चर्चा होता है तब, जैसे इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, लोग आते जाते हैं तो पूछते हैं, हरियम जाता ही है मिठाई। अच्छा, वो रहा हरियम है। अच्छा, वो। हाँ हाँ, उसमें जाता है। उसमें जाता है। अच्छा, तो हरिया से फेमस हो गया ये। अच्छा। और सोंधापन है, लोगों को अच्छा लगता है। आप सुन रहे थे मुकेश जी से कि ये वो बहुत छोटी उम्र से ही देख रहे हैं कि यहाँ खीरमोहन बनता है और बिकता भी है। भले इतनी ज़्यादा दुकानें नहीं थी लेकिन आखिर कुछ तो इसका इतिहास होगा, ये फेमस क्यों हुआ, क्या कुछ जानकारी है आपको इसके इतिहास के बारे में? हाँ, इसके इतिहास के बारे में ऐसा पता चलता है कि जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, पूर्वज लोग, वो बताते थे कि महात्मा गांधी भी यहाँ से खीरमोहन खा के गए हुए हैं। अच्छा। हाँ, उन लोग बताते थे। और मतलब कई बड़े बड़े नेता और जो है सो, जो अभी मतलब जैसे हो गया नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, ये सब जो है इनका स्वाद चख चुके हैं। तो वो कैसे, वो तो यहाँ आए नहीं? आते जाते यहाँ पे लोग लेके जाते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो स्वाद चख चुके हैं, उनको भी जब भी मतलब कोई यहाँ से इस रूट से गुजरता है तो। झारखंड के बड़े नेता में कौन लोग यहाँ? झारखंड में तो आपने देखा उनको यहाँ आए? झारखंड के, बिहार के आनंद मोहन थे। अच्छा। हाँ, वो भी बराबर जो है सो खीरमोहन का स्वाद लेते रहे हैं। और भी हैं आपके, रघुवर दास हैं, वो भी, हेमंत सोरेन हैं, अभी तो मुख्यमंत्री हैं, वो भी खाते हैं, हमेशा खाए। कितनी दुकानें होंगी? 150-200 से। हाँ हाँ, यहाँ से दुकानें हैं। हाँ, यहाँ से करीब मतलब 7-8 किलोमीटर आप चले जाइएगा इस रूट में। हाँ। 7-8 किलोमीटर तक जो है वो खीरमोहन की दुकान है। इसका मेन स्वाद है, इसका सोंधापन जो आता है, जैसे आप मटके वाला चाय पीते हैं तो उसमें सोंधापन आता है, उसी हिसाब से इसमें सोंधापन आता है खीरमोहन में। इसके वजह से इसका स्वाद जो है, स्वाद की वजह से ये फेमस हुआ है और ये आपको चौपारण में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। धन्यवाद।